ठीक है, लास्ट टाइम अपन ने जैसे फ्लेक्स का थोड़ा सा बेसिक देख लिया था। यहाँ पर जैसे अपन ने तीन एलिमेंट लिए थे और तीनों को अपन ने जैसे हाइट अलग अलग दे दी थी, है ना। और इनकी हाइट की वजह से अभी ये जो कंटेनर है इसका हाइट कौन से वाले की वजह से बन रहा है? ये जो कंटेनर का हाइट इतना हो रहा है ये किसकी वजह से है? थर्ड की वजह से, सी की वजह से। ठीक है चलो, सेव कर लेते हैं इसको। तो फ्लेक्स जो है वो वन वे सिस्टम है ना, वन वे डिजाइन सिस्टम है जिसमें आप चीजों को लेआउट जो आप बना रहे हो एक डायरेक्शन में कर सकते हो, या तो ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, तो कौन कौन सा डायरेक्शन आपको मिल सकता है? जैसे आपका ये यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, ये बॉडी है ना। तो बॉडी में अगर कोई भी चीज, अगर जैसे एक डिव ले लिया, अगर इसको आपने फ्लेक्स बोल दिया तो इसके अंदर चीजें या तो भाई एक्स डायरेक्शन में जाएंगी कि ऐसा ही रहेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगी, या फिर इस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, या फिर इस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, और या फिर इस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर हम जैसे स्टार्टिंग में बात करेंगे कि लेफ्ट डायरेक्शन की बात करेंगे, जो कि कल आपने देख ही लिया होगा, ये वाला चीज़ है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कैसे, जैसे मैं यहाँ पे डिव लेता हूँ, डिव डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैंने बॉक्स ले लिए, मैंने चार बॉक्स ले लिए जैसे, और इनको मैं नाम भी दे देता हूँ ए, वही सेम चीज ले लेते हैं ना, वरना कॉपी करता हूँ उसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो हाइट है ये मैं नहीं देता हूँ, इसकी हाइट हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो सेक्शन का मैंने विड्थ कितना दिया हुआ है, 50%। तो अगर मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ है ना, तो भाई ये 100% से ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे। अगर दो है, तीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पिक्सल में भी दिया जा सकता है, पिक्सल में दे देता हूँ है ना। मैं बोलता हूँ जैसे 100 पिक्सल, तीनों एक ही लाइन में होंगे और 100 100 पिक्सल के होंगे, राइट। ठीक है, मैं बोल देता हूँ 200 पिक्सल या 300 पिक्सल बोल दिया, ये 300 पिक्सल हो गया, 200 पिक्सल बोल देता हूँ। पहले कंटेनर को फ्लेक्स कर रखा है मेरे, ये रहा, ये पुराना जो एग्जांपल है उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है बस। अब उसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर ये फ्लेक्स नहीं होता है तो चीज़ें आपको ऊपर नीचे दिखेंगी है ना। और जो विड्थ लगी हुई है सारे सेक्शंस के ऊपर, ये तीनों सेक्शंस के ऊपर, ये है 200 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं इसके पेरेंट को बोल देता हूँ कि तुम डिस्प्ले फ्लेक्स हो, तो ये इस तरीके से 200 200 200 एक लाइन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में बढ़ाना शुरू करता हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ 210। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया 220। ठीक है, और ये इतना, और 230 पे ये लगभग कवर हो चुका है। ठीक है, मैं करता हूँ 240, क्या होता है? अब ये मानता नहीं, क्योंकि 100% के अंदर आपको रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला 200 पिक्सल तो इतना होता है, नॉर्मल है। आप इसको अगर बोल दो कि मिनिमम विड्थ कितना है, मिनिमम मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए ये चीज़। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे मैं इसको बोलता हूँ 210 पिक्सल का एक बॉक्स है, एक सेक्शन है, 210 मिनिमम है, ये 220 ये मिनिमम है, 240 कर दिया मैंने। अब आप देख रहे हो बाहर निकल गया ये थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि इसको मिनिमम कितना रखना है, 240 पिक्सल का विड्थ तो रखना ही है। ठीक है, तो 240 240 240, अभी क्या हो रहा है भाई आपके सामने, आप देख रहे हो ये बाहर निकल रहा है। तो अगर चार एलिमेंट होंगे तो वो भी क्या होंगे, जैसे चार एलिमेंट, चौथा एलिमेंट मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये है आपका डी,
उसको एक अलग कलर देते हैं। ये देखो ये चौथा, ठीक है। तो जब तक आप इसको मिनिमम फिक्स नहीं कर देते ना, तब तक ये अपनी मनमानी करेगा ऐसा, कि इतना तो भाई होना ही चाहिए। आप इसको ये बोल सकते हो परसेंटेज में भी, मिनिमम जैसे 20%, तो 20% में तो इतना आया 20, 40, 60, 80, ठीक है। और मैं इसको बोल देता हूँ जैसे कितना 30% मैंने कर दिया, ये मिनिमम विड्थ है। और मिनिमम जैसे ही आपने बोला ना, तो अब इसको लग रहा है कि मिनिमम मुझे इतना तो रखना ही पड़ेगा। अब मुझे ऐसा फ्लेक्स के हिसाब से नहीं कि फ्लेक्स के अंदर ही अरेंज करना है, अब ये मिनिमम बोल रहा है, इसका मतलब 30% तो इसका होना ही चाहिए। और उसके बाद में अगर कोई बाहर निकल रहा है तो वो निकल रहा है, ठीक है। तो जो बाहर निकल रहा है उसको भी आप जैसे बाहर जो निकल रहा है उसको या तो हाइड कर सकते हो, ठीक है। और हाइड नहीं करना चाह रहे तो मैं नीचे ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो वन वे सिस्टम है तो एक ही लाइन में आ रहा है ये पूरा, है ना। मैं इसको ये कर सकता हूँ कि फ्लेक्स रैप, ठीक है। रैपर, रैपर का मतलब जो कवर करना होता है, टॉफी का कवर आता है, ठीक है। तो टॉफी उसके अंदर रहता है, चाहे वो पिघल जाए, कुछ भी हो जाए, उसी तरीके से ये रैपर है, ये है ना कंटेनर, कि ये सारे सेक्शंस को क्या कर लेगा, रैप कर लेगा। इसके अंदर जो है ये रहेगा, चाहे ये इसके आगे निकल रहा हो, ये इसके अंदर नीचे ले आएगा इसको। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। और अगर मैं गेप लगाना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर गैप लगाऊंगा, यहाँ पर गैप लगा सकता हूँ मैं गैप, तो गैप लगता है जो भाई फ्लेक्स आइटम है। देखो दो दो तरह की चीजें आपके सामने है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर ये कंटेनर, मानो आप कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ये चाइल्ड है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने इस येलो बॉक्स को फ्लेक्स बोल दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये जो येलो आइटम है ये बन गया है आपका फ्लेक्स कंटेनर, है ना। नाम इसका कंटेनर होना जरूरी नहीं है, ये बॉक्स होता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, है ना। ये फ्लेक्स कंटेनर बन गया। और फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ये जो तीन आइटम है, एक तो ये और ये, ठीक है, ये बन गए आपके फ्लेक्स आइटम। सही बात है। तो बस दो ही चीज है यहाँ पे, कोई जैसे अगर पेरेंट चाइल्ड की बात करेंगे तो फ्लेक्स कंटेनर क्या है, पेरेंट है, और फ्लेक्स आइटम्स क्या है, चाइल्ड, बस इतना ही, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो उसके अंदर जितने भी फ्लेक्स आइटम है वो एक लाइन में आने की कोशिश करते हैं, कुल मिला के अपने पेरेंट की हाइट को मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे फ्लेक्स रैप आपने किया, इसका मतलब है कि अगर कोई कंटेंट बाहर जा रहा है तो ये जो कंटेनर है फ्लेक्स कंटेनर, ये उसको कवर करने के लिए, उसको रैपर की तरह उसको कवर करने के लिए बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये बढ़ गया, देखो डी जो पहले था, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करूँगा तो ये इस तरीके से रहेगा, एक लाइन में जाएगा सीधा, जो कि सही नहीं है। और इस तरीके से कर देंगे तो जो डी बाहर जा रहा था केवल वो बाहर आ गया, है ना, नीचे आ गया। मतलब अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, मैंने बोल दिया इसको जैसे 40 कर दिया, तो 40, 40, 80, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं आ पा रहा है सी वाला, तो ये भी नीचे आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। ये लो हाइट कर लो ना आप, इसकी हाइट मैंने फिक्स कर दी 200 पिक्सल। तो अभी ये कुल मिला के जैसे ए और सी है, अपने पेरेंट की हाइट को मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं देखो इनके वो 25 कर दूँ, इसको 25 के ऊपर ये अभी भी अपने पेरेंट की हाइट को मैच कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूं 40, तो अब ये जो है हाइट कर देता हूँ इसका, जैसे इसका 200 दिया ना, इसको मैं 50 दे देता हूँ। ये कंटेनर है, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, जैसे मैं इसको कर देता हूँ एक की 250 पिक्सल है, ठीक है, ठीक है। ओवरफ्लो होना पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको फ्लेक्स रैप, इसकी हाइट को फिक्स नहीं करूंगा तो कंटेनर का हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंटेनर का हाइट को मैं फिक्स कर रहा हूँ तो ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन अभी भी आपने क्या लगाया हुआ, फ्लेक्स रैप लगाया हुआ है, तो ये जो बाहर निकल रहा है कंटेंट उसको नीचे ले आएगा, ठीक है। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो एक ही लाइन में चला जाएगा, आपका या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा या फिर वाई डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है।
तो इस तरीके से भी एक लाइन में आपका अरेंज हो जाएगा। मैं इसको फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी इसको यूज करूंगा। ये समझ में आ रही है? अब मैं अगर गैप बोलता हूँ, गैप, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं आप, इसको हटाई देते हो ना। अब मैं गैप बोलता हूँ, गैप लगाना है मुझे 10 पिक्सल का लगाना है। तो ये देखना यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये फ्लेक्स आइटम है कि फ्लेक्स कंटेनर है? ये फ्लेक्स आइटम है, तो जो गैप है वो लगता है फ्लेक्स आइटम पर, ठीक है? तो ये जो है इन दोनों के बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा और इन दोनों के बीच में लगेगा। इसके फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम के बीच में नहीं लगेगा, सही है? तो अगर आपको इसको करना है, यहाँ पे स्पेस देना है, क्या करना चाहिए? तो आइटम्स को दे दो। अगर मैं मार्जिन देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन 10 पिक्सल का, ये 10 पिक्सल का मैंने दे दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 10 पिक्सल का तो मार्जिन लगा हुआ है, प्लस गैप भी लगा हुआ है, ठीक है? तो ये सही नहीं है, किसको देना चाहिए? तो पैडिंग जो है मैं इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ। और ये देखो यहाँ पर लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, और इस पे यहाँ से भी लग रहा है, और यहाँ से भी लग रहा है। कुल मिला के ये है आपका, ठीक है? तो ये लो। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इसको सेव कर लेते हैं, अब चीजों को अरेंज करना सीखते हैं। भाई आपको पता है कि एक डायरेक्शन में काम करता है या तो एक्स या फिर वाई में, ठीक है? तो चीजों को अरेंज कैसे करेंगे? मैं मेरे हिसाब से अरेंज करना चाह रहा हूँ चीजों को। यहीं पे ले लेता हूँ, इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड ये हो ही गया, ये देना नहीं। और ऐसा, ठीक है? जब तो हमने शुरू किया इसको, इसके अंदर चार ये आइटम है, ठीक है? और कंटेनर अभी तक फ्लेक्स नहीं है। तो अगर कंटेनर फ्लेक्स नहीं है तो जो भी आइटम इसके अंदर आएंगे वो सब ऊपर नीचे आएंगे, डिस्प्ले ब्लॉक है क्योंकि। और यहाँ पर जैसे बॉर्डर वॉर्डर मैंने दे दिया, हाइट इसकी फिक्स कर दी। अगर इसकी हाइट में फिक्स नहीं करूँ तो क्या रहेगा, जो कंटेंट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक हाइट लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हाइट भी मैंने दे दी। अब मैं बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही मैं फ्लेक्स करूँगा आपको पता है ये सारे के सारे चाइल्ड जो हैं, फ्लेक्स आइटम जो हैं, वो एक लाइन में आएंगे, और एक लाइन में आने के बाद में ये अपने पेरेंट की हाइट ले लेंगे। ले लिया हाइट, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर इनको गैप वगैरह देना है तो दिया जा सकता है, ठीक है? गैप देना चाहो तो दे सकते हो, वो बाद में करते हैं, चलो गैप वाला। तो अब इनको देखो चीज़ों को अरेंज कैसे करना है। जैसे अभी ये इस साइड में है, मैं चाह रहा हूँ कि इस साइड में आ जाए, या फिर मैं चाहूँ कि सेंटर में आ जाए, या फिर मैं बोलूँ इक्वली स्प्रेड हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ कैसे किया जा सकता है? जैसे मैं एक सेक्शन का विड्थ बोल देता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा सा दिख जाए, इसीलिए 200 पिक्सल। 200 ज़्यादा हो गया, 50 पिक्सल। ये चार चीज़ें हैं। चलो अब यहाँ पे चीजों को देखो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ये स्टार्ट एंड सेंटर स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली, ठीक है? तो हम सबसे पहले जैसे स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट मतलब ये वाला जो कोना है, इसमें पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो कोना है इसको हम बोलेंगे स्टार्ट, सही है क्या? ठीक है, ये वाला कोना है इसको हम बोलेंगे एंड, ठीक है? ये वाला जो है इसको हम सेंटर बोलते ही हैं, ठीक है? तो पहले तो जैसे इन तीन की बात कर लेते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये स्टार्ट में रहे, तो हम इसको बोल सकते हैं
जस्टिफाई, अगर एक्स डिरेक्शन में आपको करना है तो जस्टिफाई बोलूंगा, JUSTI जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट नहीं स्टार्ट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट क्या रहता है, इस तरफ रहता है। अगर मैं बोल दूँ उसको एंड पे लेके जाओ, END, ठीक है, ये एंड में जाएगा कंटेंट पूरा। और अगर मैं बोलूँ इसको सेंटर में लेके जाओ तो ये सेंटर में आ जाएगा, सही है ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट हो सकता है। तो ये लो, तो तीन वैल्यू कौन कौन सी है, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की जो वैल्यू है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, सेंटर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इन तीनों में से एक वैल्यू देनी है आपको। हाँ हाँ कर लो, ठीक है। तो ये तो अपना समझ में आ गया, चलो ये एक तरीका है। लेकिन अब मैं अगर ये करना चाहूँ कि इनके बीच में स्पेस देना चाहूँ, क्योंकि कितना स्पेस अपना वेस्ट हो गया, क्योंकि ये तो एलिमेंट इतने से ही है और मैं इनको पूरे इसमें फैलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब वैसा नहीं, इनके बीच में स्पेस आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ स्पेस बिटवीन, इनके बीच में स्पेस आ जाए यार, स्पेस आ गया, ठीक है। ए जो है और डी जो है, ये अपना देखो पहला एलिमेंट, पहला फ्लेक्स आइटम और लास्ट वाला जो फ्लेक्स आइटम है, ये तो कोने पे चिपके रहेंगे, ठीक है, और बाकी जो आइटम है उनके बीच में बराबर बराबर दूरी होगी, सही बात है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के प्लेसमेंट को अपन क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। चलो ये एक वैल्यू हो गया। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई इनके बीच में जो स्पेस आया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहा हूँ ए के इधर भी, ठीक है, और बी के डी के इधर भी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेस अराउंड, कि इनके चारों तरफ आप स्पेस दो, केवल बीच में नहीं, केवल बीच बीच में, स्पेस बिटवीन का मतलब बीच में, स्पेस अराउंड का मतलब चारों तरफ आपको स्पेस देना है। तो ये देखो ये इधर भी आ गया स्पेस, इधर भी आ गया स्पेस, और इनके बीच में भी स्पेस है, लेकिन ये स्पेस कितना है, ठीक है, ये जो स्पेस है इसका बिल्कुल आधा जो स्पेस यहाँ पर है, ठीक है, और वही आधा जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो मैं इसको अगर छोटा भी कर रहा हूँ तो वो चीज़ें मेंटेन हो रही है, अभी भी ये डबल है, ये आधा है, ठीक है, ये भी आधा है, इस तरीके से, तो ये चीज़ों को मेंटेन कर सकता है, तो ऑटोमेटिक अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं नहीं आप यहाँ पर जितना स्पेस लगा रहे हो ना उतना ही स्पेस यहाँ पर लगाओ, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पेस यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, स्पेस इवनली, ठीक है, इवन बराबर है ना, बराबर, यहाँ यहाँ भी बराबर और यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, ठीक है। तो ये इतना तरह का जो प्लेसमेंट आप कंटेंट का वो कर सकते हो। तो मैं इसको बोल देता हूँ क्या था, स्पेस इवनली, ये चीज़ समझ में आएगा, अब कुछ भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऐसा किया, ऐसे छोटा किया, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा विड्थ और देता हूँ, 100 पिक्सल बोल दूँ क्या, 100 पिक्सल बोल दिया, चलो 100 पिक्सल पे इतना दिखता है, मैं इसको छोटा करूँगा, ऐसे छोटा 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 और ऐसा और ऐसा, ठीक है। और ये तो देखो मान रहा ही नहीं है, मैंने 100 पिक्सल बोला है, क्या करना चाहिए, कम से कम 100 पिक्सल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, 100 पिक्सल, और अब देखो, ठीक है, अब ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और जैसे ही छोटा होगा, जैसे कोई ये अभी डेस्कटॉप पे है, ये टैबलेट के लिए हो गया, और अगर मैं बोलूँ और ज़्यादा छोटा करेंगे तो ये मोबाइल के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल पे अगर आप देखोगे तो चीज़ें देखो बाहर निकल रही है, क्या करना चाहिए, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर फ्लेक्स रैप कर दूंगा, ठीक है। और अब आप देखो ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो भी है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स, ये गैप, ये केवल डिस्प्ले फ्लेक्स होने के ऊपर ही काम करती है, गैप भी, ठीक है। आज से पहले गैप नहीं देखा ना आपने, फ्लेक्स से पहले अगर गैप होता तो मैं बता देता। तो ये गैप जो है ये फ्लेक्स का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करूं, ये ले लो कैसा है, कोई फर्क पड़ा गया? ये तो नॉर्मल वाला हो गया ना, है ना, ब्लॉक वाली चीज है ये। अब ये बन गया है फ्लेक्स, ये सब फ्लेक्स आइटम है, ये आपका फ्लेक्स कंटेनर है, क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को मैं अरेंज कर सकता हूँ। मल्टीफाई कंटेंट जो है ये आपका एक्स एक्सिस में चीजों को अरेंज करता है, वाई में करना है कंटेंट इन फ्लेक्स, है ना। यहाँ पर इसको एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखो, ये वही सेम चीज है ना। ये तो स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और ये सब कुछ समझ में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट मैं एक्स डायरेक्शन में मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वाई में करना पड़े तो, है ना, तो वाई में करने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर ये एक्स था, ठीक है, और वाई में अगर करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये वाई है, ठीक है। तो वाई के लिए आप बोलोगे अलाइन आइटम्स, ठीक है। एक्स के लिए आप बोलते थे जस्टिफाई कंटेंट, वाई के लिए आप बोलोगे अलाइन आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, इस चीज को मैं बोलता हूँ स्टार्ट, इसको मैं बोलता हूँ एंड, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और एक और होता है स्ट्रेच करके, है ना, तो वो समझा दूंगा मैं, स्ट्रेच करके एक और होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको शुरुआत करता हूँ, मैं बोलता हूँ अलाइन आइटम्स, ठीक है। अब अलाइन आइटम जब मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये ध्यान देना, ये जो ए बी सी डी है इनकी हाइट कितनी है, पेरेंट के बराबर है ना, क्योंकि पेरेंट इतना था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आप इसको अब चीज़ों को अलाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे जैसे अलाइन आइटम मैं बोल देता हूँ स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट आ गया आपका, है ना। अगर एंड करूंगा तो नीचे आ जाएंगे, तो अगर मैं करता हूँ इसको एंड, या आगे नीचे, अगर मैं बोलता हूँ इसको सेंटर, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अगर मैं देखो पेरेंट की हाइट को कम ज्यादा करता हूँ, एक चीज में यहाँ पे वो ट्रांजिशन लिख देता हूँ ताकि थोड़ा स्मूथ आए इफेक्ट, ट्रांजिशन हो 0.3, ठीक। अब देखो अगर मैं इसका हाइट मैंने 200 पिक्सल है, 200 से 400 कर दूँ, 400 कर दिया, अभी भी सेंटर में है क्या, ठीक है। अगर मैंने इसको 100 कर दिया, अभी भी सेंटर में है। तो अब आपको ये देखो ऐसे भी चीजें आपके बस में है, ठीक है, और आप इसको कम ज्यादा कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो भी चीजें जो है वो बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जिसे ये लिख सकता हूँ अलाइन आइटम्स स्टार सेंटर एंड, सही है ना। इसके अलावा आप एक और लिख दे एसटीआरईटी स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच क्या होता है, अगर मैं कुछ स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, अगर मैं इसको नहीं करता हूँ ऐसा कुछ भी, ये क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए अपने पेरेंट की हाइट को मैच करने के लिए, खिंच गए, ठीक है। तो उसी चीज को हम स्ट्रेचिंग बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है आपका, स्ट्रेच। तो मैं इसको अगर नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैंने इसको करना है सेंटर और मैं STRETCH स्ट्रेच करके ऐसा लिख देता हूँ, तो ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है, बस इतना ही प्लेसमेंट आपको करना रहता है चीज़ों का, ठीक है। अब सब कुछ आपके बस में है, ये लो, बढ़िया, मोबाइल पे भी अच्छा दिख रहा है, टैबलेट पे भी अच्छा दिख रहा है, और बड़े स्क्रीन पे भी अच्छा दिख रहा है कंटेंट, ये काम करना है। सेव कर लेते हैं इसको, मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले अलाइन, ठीक है। तो अभी जो हमने सीखा है उसके हिसाब से हम क्या बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती। हाँ, दूसरा चीज़ अलाइन आइटम्स में थोड़ा सा और ले लेते हैं, जैसे क्या हो अगर सारे आइटम्स की जो हाइट वो अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मैं इसको करता हूँ अलाइन आइटम स्टार्ट कर दिया मैंने, सारे आइटम की हाइट बराबर है, अगर ये सारे आइटम की हाइट बराबर है तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं इनकी हाइट चेंज कर दूँ, जैसे सेक्शन वन है, ठीक है, उसका हाइट मैं बोल देता हूँ, उसका हाइट 70 पिक्सल है, सही बात है क्या, ठीक है।
इसका हाइट बोल देता हूँ, हाइट जो है ये 30 पिक्सल है, इसका हाइट 100 पिक्सल है, ठीक है, और इसका हाइट 40 पिक्सल है, 40 ही है, 40 हो गया, 50 कर देते हैं। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ स्टार्ट में, तो अभी स्टार्ट में है क्या? अगर मैं बोल दूंगा इसको एंड में चले जाओ, एंड में आ गया, सही है ना? अगर मैं बोलूंगा इसको सेंटर में आ जाओ, अब देखो फायदा, ये सारे सेंटर में, ठीक है ना, ये चीज आपको चाहिए, ठीक है? तो ये अलाइन आइटम्स जो इस तरीके से काम करेगा आपका। तो अब इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे जैसे ड्रिबल है, ठीक है, ये ड्रिबल आपका वो है इंस्पिरेशनल जैसे बोर्ड है, यहाँ पर आपको कई तरह के डिजाइन वो मिल जाएंगे फोकट में, लॉग इन कर लेते हैं इसको पहले, अपना अकाउंट बना लेना यहाँ पे, ठीक है, अपना जैसे जीमेल है उससे आप साइन इन, ठीक है, जो चीज़ आप बनाओगे वो चीज़ इसमें पहले से ही डिजाइन किया हुआ है। तो जो मैंने यूआई यूएक्स का काम बताया था आपको कल, वो सारा चीज़ यहाँ पे बड़े बड़े जो यूआई जो अमेजन में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट गूगल में काम कर रहे हैं, वो बंदे अपना डिजाइन यहाँ पे डालते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए एक रिसोर्स है, खजाना है। आप यहाँ पे आओगे, जैसे अभी आपका क्या है, जैसे मैं स्टार्टिंग में देखता हूँ कलर का सेंस नहीं होता है कि कलर कौन से चूज करें, कौन सा कलर किस पे खिलेगा, कैसा दिखना चाहिए चीज़ें, तो यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगा। अगर ये चीज़ में आपको मज़ा आता है, ऐसा चीज़ आप बनाना चाहोगे क्या? ये मेन्यू है क्या? ठीक है, इसका कलर अगर मैं पर्पल रखूंगा तो उस पर कौन सा कलर का टेक्स्ट मुझे रखना चाहिए? अभी जब स्टार्टिंग में देखते हैं तो कोई लाल पीला काला नीला कुछ भी कर रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको एक डिजाइन सेंस मिल जाएगा कि कैसा डिजाइन आपको करना चाहिए ताकि भाई अच्छा दिखे, ठीक है? अब ये खजाना है, जैसे किसने बनाया है, जॉर्डन ने बनाया है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं लाइक कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छा लगा मुझे तो ये जॉर्डन वाला जो चीज़ है मुझे दिखाएगा, मैं इसको और भी देख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर इसमें आता हूँ जॉर्डन का अकाउंट पे, और इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो भी यूआई यूएक्स डिजाइनर ही है, ठीक है? तो बहुत बड़ा कम्युनिटी है ये, और यहाँ पर ये इसने सारा चीज़ बनाया हुआ है। जैसे ये कोई है क्रिएट अकाउंट का स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन जो है इस तरीके का आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ये जैसे जो भी आपका डॉट कॉम होगा उसके बाद में आपका लोगो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह का डिजाइन दिखेगा, ठीक है? ऐसा आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह के ऊपर जब आप लॉग इन करते हो, तो इस चीज़ को डिजाइन किया जाता है, कोई ना कोई बैठ के बना रहा होता है, ऐसे ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ भी बना दिया, यहाँ पे इसका फॉन्ट का जो है ये बोल्ड है, कलर ब्लैक है, इसका कलर ब्लैक नहीं है ना? जैसे हमने बात करी थी कि कौन सी चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, तो इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा पहले वो रखना चाह रहा है, क्योंकि फॉन्ट बड़ा किया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान आपका यहाँ पे जाएगा, फिर जी पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, ठीक है, और फिर नीचे जो ये फील्ड बॉक्स वगैरह बना रखे इन इन पे जाएगा, ठीक है, और स्टार्ट फ्री ट्रायल, तो इस तरीके से आपका चलना चाहिए, इसको अच्छी समझी हुई चीज़ है, ठीक है? राइट साइड में इसका एक डेमो दे दिया कि जब आपके अकाउंट क्रिएट कर लेते हो उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर का इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ है ना? इसी तरीके से इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तरह तरह के डैशबोर्ड, जैसे इसने ये बनाया हुआ है कि ऑनलाइन चैट का होगा, ये लॉगिन का पेज बनाया हुआ है, ये लॉगिन का पेज बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है? ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं ऐसी चीज़ बना पाऊँ, इसका मतलब भाई सही है, ठीक है? और अगर ये चीज़ नहीं बन पा रही है, ये चीज़ें जहाँ पर हैं, अगर मैं आपको बोल दूँ ऐसा का ऐसा बनाना है, ये जो ईमेल भेजने वाला मैसेज भेजने वाला एक डिजाइन तैयार करना है, ठीक है, तो ये आप मान के चलो, राइट क्लिक करता हूँ कॉपी इमेज, ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के बिल्कुल सेंटर में मुझे ये डिजाइन चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, तो इसको एज इट इज बनाना कि यहाँ पे ये आइकन आपको दिखे, ये वाला चीज ये, ठीक है, ये आपको ऐसा का ऐसा दिखे, यहाँ पर ये चीज यहाँ पे साइड में दिखे, ठीक
ठीक है, ऐसा का ऐसा चीजें आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे फिर इसको, बनाया जा सकता है कि अभी तक जो अपन ने किया उसके हिसाब से? तो ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। अभी जैसे आप पूछ लेते कि दो दो को मैं ए बी को इधर लाना चाह रहा हूँ और सी डी को इधर लाना चाह रहा हूँ, है ना। तो एक बार मैं एक तरीका बताता हूँ, एक तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका बाद में, जैसे सेव कर लेते हैं इसको, ग्रुपिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास है वही सेम चीज है, ये कॉपी किया इसको, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, कॉपी किया इसको, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ पर जैसे इसकी विड्थ है, मैं बोल देता हूँ 100 पिक्सल है, राइट। अब आप ए बी को इधर रखना चाह रहे हो, सी डी को उधर रखना चाह रहे हो, क्या कर सकता हूँ मैं इनको ग्रुप कर सकता हूँ क्या? मैं बोल सकता हूँ कि डिव डॉट लेफ्ट सेक्शन, है ना, इन दोनों को ग्रुप कर दिया एक में, ये लो, ठीक है। और इसी तरीके से आपका इसको बोल देता हूँ राइट सेक्शन, सही है क्या? दो सेक्शन बना दिए। अब आप देखो यहाँ पर कंटेनर के अंदर आओ, आप बोल दो जस्टिफाई, पहले इनको बॉर्डर दे देता हूँ, लेफ्ट सेक्शन एंड राइट सेक्शन, दोनों को बॉर्डर दिया मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, सही है ना। अब आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल वही चीज, जस्टिफाई, JUSTI कंटेंट, क्या बोलूं बताओ? एक को इधर करना है, एक को इधर करना है, इन दोनों के बीच में स्पेस आपको मेंटेन करना है, क्या इवन लेने स्पेस बिटवीन, ठीक है। आप बेसिकली इसको यहां चाह रहे हो और इसको, अब ये पहला है और ये दूसरा है, दो ही सेक्शन है, देखो ये पहला सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है। तो पहला सेक्शन जो है वो लेफ्ट में रहेगा और जो आखिरी सेक्शन है वो राइट में रहेगा, और इनके बीच में अगर कुछ है वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो ही लिख दिया, हेलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये हेलो कहाँ पर है, सेंटर में है, ठीक है। तो अगर ये भाई 3 एलिमेंट है तब तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ये 2 ही है तो पहला इस कोने में रहेगा, दूसरा इस कोने में रहेगा। और भाई इनका विड्थ मैं डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे ये सेक्शंस जो भी हैं इनकी विड्थ जैसे 40% है, इस तरीके से, सही है, चलता है इस तरीके से। और अगर मैं ये करना चाहूँ कि ये जो सेक्शंस हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर, इनको मैं बोल सकता हूँ कि इसको भी बोल दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दोनों भी क्या हो गए, फ्लेक्स बन गए, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है। और विड्थ जो है अगर आप देना चाहो तो इनकी विड्थ बोल दो, मिनिमम विड्थ 50%, सही है, ठीक है। और हाइट वगैरह जो है आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, ए बी इधर सी डी इधर, सेव करते हैं इसको। तो अगर आपको ये बनाना पड़े, ये बनाया जा सकता है क्या, ये वाली चीज, ये वाला बनाया जा सकता है कि 2 एलिमेंट इधर हैं, एक तो आपका फोटो और 2 एलिमेंट इधर हैं, ठीक है। इनको एक ग्रुपिंग किया जा सकता है, इनको ग्रुपिंग किया जा सकता है, ठीक
बिल्कुल। और ये जो है रेड कलर का एक इनका पेरेंट हो सकता है जो फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा और आगे ले लेते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा बनाना शुरुआत करते हैं। सेंटरिंग, फ्लेक्स से अगर कोई आइटम को आपको सेंटर में करना है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे पास में एक कंटेनर है, ड्यू डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक बॉल है, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, मैं बोल देता हूँ एक जो है कंटेनर, कंटेनर का बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, विड्थ जो है वो 200 पिक्सल है, हाइट 200 पिक्सल है, और यहाँ पर जैसे बोल बोल देता हूँ, बोल जो है विड्थ 50 पिक्सल है, हाइट 50 पिक्सल है, और बैकग्राउंड बैकग्राउंड रेड है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। ये बॉल है इस बॉक्स के अंदर, इस बॉल को इस बॉक्स के सेंटर में करना है। कैसे कर सकता हूँ? मार्जिन, अभी फ्लेक्स पड़ा है अपन ने, ठीक है। अब कंटेनर को क्या बोल दूँ? डिस्प्ले फ्लेक्स बोल दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, विड्थ और हाइट दी हुई है इसको, ठीक है। अगर हाइट नहीं दे तो सही बात है ना, हाइट अपने पेरेंट को मैच करेगी, लेकिन मैंने इसको हाइट फिक्स कर रखा है 50 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हॉरिजॉन्टली आप सेंटर में करना चाह रहे हो, क्या क्या यूज करो? एक्स एक्सिस पर जस्टिफाई कंटेंट कहाँ पर करना है? सेंटर, ये लो सेंटर में आ गया। अब वर्टिकली सेंटर में करना है, क्या बोलो? अलाइन आइटम्स सेंटर, बढ़िया, इतना इजी है। दो लाइन बोलनी है, ना कोई कैलकुलेशन करनी है, 50-50 कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतना बोलना कि सेंटर में ले आओ, ये सेंटर में खुद ले आएगा। कैसे? अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ, जैसे कंटेनर की विड्थ को मैंने 300 पिक्सल कर दिया, ये 300 पिक्सल कर दिया, अभी भी सेंटर में आ गया, है ना। तो ये चीज़ है। तो आपको गागर में सागर भरना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, सब कुछ फ्लेक्स पे छोड़ दो। और यहाँ पर ट्रांजिशन लगा देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा स्मूथ इफेक्ट है। 0.3, है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये बॉक्स जो है इसको भी यहाँ पे सेंटर में ले आऊँ बॉडी पे। चलो बॉडी पे क्या बोलो? डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स बोल दिया। अब जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट क्या बोलो? सेंटर बोल दो, ये सेंटर में आ गया। वर्टिकली सेंटर में करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर, आया नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आया? तो यहाँ पर पहले देख लो बॉडी कितना सा पोर्शन है। बॉर्डर लगा दो क्या बॉडी पे? 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का ये मैंने बॉर्डर लगा दिया, ये देख रहे हो बॉडी कितना है। अब क्या अभी भी ये सेंटर में है क्या? ये ऑलरेडी सेंटर में है। अगर वर्टिकली अगर बोलूँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा होता, जैसे मैं बोलता कि हाइट जो है बॉडी की वो 300 पिक्सल है, तब थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है, तब मैं बोल सकता हूँ कि अलाइन आइटम अगर आप सेंटर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, सही है। लेकिन अगर बॉडी का हाइट ही नहीं है, बिल्कुल इसको चिपका ही हुआ, तो अभी भी सेंटर में ही है कुल मिला के, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको वैसे सेंटर में करना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया जा सकता है? सबसे पहले बॉडी का मार्जिन हटा दो, ताकि ये जो स्पेस आ रहा है ये हट गए, मार्जिन हटा देंगे। तो मार्जिन जो लगा हुआ था
बाई डिफॉल्ट उसको मैंने कर दिया 0 पिक्सल, आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसकी हाइट को है ना, मैं एक बार इसको बॉर्डर देने के बजाय बैकग्राउंड कर देता हूँ, तो बॉर्डर ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉर्डर को मैं हाइट दे दूंगा, हाइट, हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने 300 पिक्सल बोला था, 300 पिक्सल नहीं देखे मैं, ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मैं VH में बोल सकता हूँ क्या, व्यू पॉइंट के हिसाब से? तो 100 VH का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कवर करेगा, ये लो यार 100 मैंने बोल दिया, 100 VH, सही है क्या? ठीक है, ये थोड़ा सा बॉर्डर हमने दिया इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन बॉर्डर हटाऊंगा तो सही हो जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है, और मैं इसको बॉर्डर को हटा लेता हूँ, ये भी आपका हट जाएगा, ये 100 VH का हाइट हो गया, अब सेंटर में है, ठीक है। मैं कहीं भी प्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ क्या, क्या बोलते हो, क्या बोलो, जस्टिफाई कंटेंट। चलो अभी तो मैं सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो है ना, उनका ध्यान सेंटर में सबसे पहले जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन को हटा दिया अपन ने, इस कंटेनर जो है ये यहाँ पे आ गया, चलो तो अब शुरू करते हैं। जैसे अपन थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से क्या बनाया जा सकता है। तो ऐसा बना के देखते हैं अपन, जैसे इसमें दिया हुआ ना सेम ऐसा, इसके कुछ पार्ट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये मान के चलो अपन इतना इतना है, ये एक डिव लेंगे, कंटेनर लेंगे है ना, इस कंटेनर के अंदर एक तो ये सेक्शन है, ठीक है, एक ये सेक्शन अपन बोल सकते हैं, ठीक है, एक ये सेक्शन अपन बोल सकते हैं इतना, एक ये सेक्शन अपन बोल सकते हैं, और एक ये सेक्शन अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि भाई आपको ये अब समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि मेन लेआउट क्या है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, यहाँ पे इसको दो भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक में कर दिया, आप इसको दो कर सकते हो, एक तो ये है और एक ये, ठीक है, आपकी मर्जी। तो अब पहले जैसे ये डिव बना लेते हैं, इसको सेंटर में कर लेंगे, और ये जैसे इसको मैं बोल देता हूँ ये हेडर है, ये फुटर है ना, और बीच में ये पूरा कंटेंट है, ये जो भी है बस इतना, तीन है ना, तीन चीज़ें बनाना चाह रहे हैं। तो डिव डॉट कंटेनर मैंने बोला, इसके अंदर एक हेडर है, हेडर यहाँ पर एक मेन कंटेंट यहाँ पर आ गया, मेन कंटेंट डिव डॉट फुटर है, यहाँ पर फुटर, तो तीन चीजें अपन ने बनाई, एक डिवीजन ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। हेडर हो गया, मेन कंटेंट हो गया, फुटर हो गया, जिस ऑर्डर में आपने रखा उसी ऑर्डर में आपको दिख रहा है हेडर, मेन कंटेंट एंड फुटर, ठीक है। चलो इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेनर को एक बॉर्डर दे देता हूँ, और थोड़ा सा विड्थ बॉर्डर देता हूँ, पहले बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है, ठीक है। इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में बोल देता हूँ 90% है, 90% का मतलब 90% का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको हमेशा बचेगा, चाहे मैं कितना ही छोटा करूँगा स्पेस बचेगा, बड़ा करूँगा तो भी स्पेस थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा, लेकिन बचेगा। 80% कर लेता हूँ, चलो एक बार के लिए 80% कर दिया। हाइट जो है मैंने बोल दी इसकी 400 पिक्सल है, ठीक है, या हाइट मैंने अभी नहीं दी, चलो हाइट नहीं दी। अब मैं हेडर को स्टाइल कर लूँ, हेडर को स्टाइल कर लेते हैं, हेडर बोल देता हूँ ये हेडर, इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होगा,
और कलर जो है इसका वाइट होगा, देखो ठीक है ना। इसको रेड कर लेता हूँ एक बार, है ना। तो इसका ब्लैक हो गया, इसका ये हो गया। पैडिंग वेडिंग तो दे ही सकता हूँ मैं, मेरे हिसाब से पैडिंग भी दे देता हूँ। ये लो पैडिंग जो है 10 पिक्सल, खुश। ये लो मेन कंटेंट को भी बोल देता हूँ, मेन कंटेंट। तुम्हारा बैकग्राउंड जो है वो हल्का येलो होगा, 255 255, 0.0.2, हल्का येलो हो गया ठीक है। इसको हाइट दे सकता हूँ, हाइट मैंने दे दिया 70 VH, दे सकता हूँ ठीक है। जितना व्यू पॉइंट होगा उसका 70% होगा हमेशा। मैं फुटर को बोलता हूँ, तुम्हारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होगा, है ना, वही कलर जो है। इन दोनों को साथ में कर देता हूँ, वाला टॉपी टेस्ट, इन दोनों की सेम स्टाइल है। ये लो, हेडर एंड फुटर की स्टाइल सेम है ठीक है, मेन कंटेंट की सेम है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बॉर्डर हटा लूँ अब इसका, कंटेनर का। अब आपको पता है ये तीनों चीज़ें एक में ही है ठीक है। आप चाहो तो एक बार जैसे बॉर्डर को रेडियस दिया जा सकता है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल मैंने बोल दिया, तो 20 पिक्सल देखो यहाँ से ये कर्व हो गया, लेकिन अभी भी ये बाहर निकल रहा है कोने। ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने और इस तरीके से आ गया। आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसको, 10 पिक्सल 20 पिक्सल जो भी आपकी मर्जी है। 10 पिक्सल किया मैंने, है ना। इस तरीके से मैं इस बॉर्डर को हटा सकता हूँ, तो ये कर्व आपको दिख रहा है ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं कंटेनर है, कंटेनर को मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ, तो मैं इसको शेड भी लगा सकता हूँ। तो शेड भी लगा के देख लेते हैं। बॉक्स शेड जो है वो 0 पिक्सल 10 पिक्सल, या इसको मैं 5 पिक्सल बोल देता हूँ, 5 पिक्सल 10 पिक्सल, RGBA 0.3, इस तरीके से अपन ने कुछ कर दिया। और ये शेड आपको दिख रहा है, बॉर्डर इस पर हटा लेता हूँ ठीक है, ये इस तरीके से, या इसको 0 कर देता हूँ और इसको 0.2, और इसको ब्लू शेड में रखूँ क्या, इस तरीके से। इस शेड दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब मैं इस चीज़ को सेंटर में करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में। अभी 70% है अपना विड्थ के हिसाब से, तो अब सेंटर में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। बॉडी पे मार्जिन हटा दूँ ठीक है, मार्जिन मैंने 0 पिक्सल कर दिया, मार्जिन MARGIN ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका हाइट बोल सकता हूँ 100 VH। जब भी आप देखो इसको किसी चीज़ को सेंटर में करना चाह रहे हो, तो ये बॉडी को हाइट वाइट आप देख के कर सकते हो ठीक है। तो 100 VH कर दिया। अब मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सेंटर में करना है इसको, क्या बोलूँ, जस्टिफाई JUSTI, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स, बढ़िया। बस अब इसके अंदर चीज़ों को अरेंज करो। अभी एक ये पहले लेआउट आपको बनाना है ठीक है। लेआउट आपने पहले फिक्स कर दिया इसका, कि भाई इसके अंदर इतना इतना कंटेंट आएगा। अब इसके अंदर कंटेंट भरना शुरू कर दो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले की बात करता हूँ, तो पहले इस चीज़ को टैकल करो कि ये कैसे आया होगा यार, है ना। तो शायद इसमें ऐसा लिया कि एक डिव इधर है, एक डिव इधर है ठीक है, तो दो डिव है। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर हेडर के अंदर आके डिव डॉट लेफ्ट हेडर, ये लेफ्ट हेडर है, डिव डॉट राइट हेडर, ये राइट हेडर ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट आपको दिख रहा है। अगर इन दोनों को अरेंज करना पड़े तो मैं हेडर को क्या बोल सकता हूँ, फ्लेक्स बोल सकता हूँ, फ्लेक्स बोल दूँ, फ्लेक्स से कर रहे हैं तो, है ना। तो हेडर पे आता है, हेडर पे मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और आपको पता है जैसे फ्लेक्स करूँगा तो एक लाइन में आ जाएगा। फिर क्या बोलना चाहिए कि लेफ्ट वाला इधर और राइट वाला इधर चला जाए,
स्पेस बेटन, बहुत शाबाश, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक चीज का ध्यान रखा करो कि आप इसके इन दोनों के पेरेंट से बात कर रहे हो, ठीक है। तो पेरेंट को बोलो इन दोनों के बीच में स्पेस लगा दो, तो वो चीज करना है। तो लेफ्ट एंड राइट हो गया। अब मैं यहाँ पर जैसे लेफ्ट के अंदर आपको क्या करना है, एक तो देखो ये चीज प्लेस करनी है, आइकन है, और एक क्या है, ये है मैसेज है, चलो लेके आते हैं। तो मैं बोल देता हूँ ये जो लेफ्ट सेक्शन है इसके अंदर एक इमेज है, svgrepo.com, मैं बोल देता हूँ क्या बोलेंगे इसको, क्या है ये, सेंड, सेंड का बटन है ये, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कैसा है, हाँ ऐसा ही है, चलो ये देख लेते हैं, ये है। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, एड्रेस कर लिया, ठीक है। और मैं इसके अंदर लेफ्ट वाले सेक्शन के अंदर मैं इमेज बोल दूंगा, एक इमेज लगा दो, इमेज लगा दो, और एक लिख देना यहाँ पे, क्या लिखना था, न्यू मैसेज, ठीक है। इस तरीके से अब आप देखो ये जो कंटेंट है आपका, इसके अंदर जो इमेज है ना इसका साइज बहुत बड़ा है। मैं एक बार इसका वो चेंज करके बताता हूँ, हेडर का बैकग्राउंड एक बार मैं कर देता हूँ येलो कर देता हूँ, ये देखो ये बहुत बड़ा इमेज आया है, ठीक है। तो इसको छोटा करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, इसको वापस कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया ये। तो हेडर के अंदर, हेडर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ, पहले तो मैं उसको इन्वर्ट कर देता हूँ, इन्वर्ट आपको पता है ना, ब्लैक का वाइट और वाइट का ब्लैक, है ना। तो फिल्टर लगा देता हूँ, फिल्टर इन्वर्ट, ये लो 100% आपका इन्वर्ट हो गया, ये इमेज दिख रही है अभी जो ब्लैक थी और वाइट हो गई। इसका मैं विड्थ बोल देता हूँ, इस इमेज का विड्थ मुझे करना 16 पिक्सल, और ये देखो 16 पिक्सल, ठीक है ना। हेडर जो है इसको मैं, हेडर का जो लेफ्ट है, लेफ्ट हेडर, या ऐसे बोल देता हूँ, चलो ठीक है, लेफ्ट हेडर जो है उसको एक बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का एक बार दे दिया, ये लेफ्ट हेडर है। ये इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूँ क्या, फ्लेक्स कर सकता हूँ, ये लो डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे मैं इसको फ्लेक्स करूँगा, ठीक है, यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिकली इसके सेंटर में आ गया, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आए, नहीं आता है कई बार, क्योंकि इमेज का साइज मैंने 16 पिक्सल लिया और 16 पिक्सल का ये फॉन्ट है, तो ये सेंटर में ज़रूर आ गया। लेकिन मैं अगर इसको बोल दूँ ये 40 पिक्सल का है, इमेज 40 पिक्सल की है, लेकिन न्यू मैसेज छोटा ही है, तो ये ऊपर चिपकेगा ऐसा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हेडर के अंदर इन दोनों को अगर सेंटर में करना, तो क्या बोलो, फ्लेक्स है ये, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, अब ये बिल्कुल इनको सेंटर में कर देगा, ठीक है। मैं इनके बीच में गैप मेंटेन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा गैप भी आ जाए, ठीक है, गैप लगा दो यहाँ पे 10 पिक्सल, ये गैप भी आ गया यहाँ पे। इमेज को छोटा किया जा सकता है, वापस से वही 16 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट मुझे पता है 16 पिक्सल होता है फॉन्ट का साइज, इसलिए मैंने 16 पिक्सल लिख दिया, ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक है बस। अब आप यहाँ पे जैसे इसको बॉर्डर को हटा दो, आ गया बॉर्डर, ये बॉर्डर को मैंने हटा दिया, ठीक है। और बाकी जैसे इसके अंदर फॉन्ट वगैरह चेंज करना था, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली एरियल वगैरह कर दिया आपने, ठीक है, और इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड में भी कर सकता हूँ मैं। अब राइट साइड में क्या है, देखो राइट साइड में एक तो ये वाला है और एक क्लोज वाला आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैक्सिमाइज, चलो इनमें से कुछ ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, एड्रेस, और ये लू क्या बना, चलो ये लेता हूँ, ये मिल गया, तो राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, और
यहाँ पे राइट साइड वाले के अंदर डालना है बाबा आपको, ये लो इमेज IMG, ये लो। एक और चीज है क्रॉस वाला, तो क्रॉस भी ले लेता हूँ। कौन सा लेवे, चलो ये ले लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, इसके अंदर भी इमेज, ये लो। और ये देखो ये दोनों इमेज जो है वाइट आएंगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, नीचे हेडर के अंदर जो भी इमेज है वो सब कैसे हो जाए इन्वर्ट, और पिक्सल इनका 16 पिक्सल होना चाहिए विड्थ, ठीक है, ये लो। अब ये ठीक है, अब इसको आप कर दो राइट हेडर को, राइट हेडर, हाँ बिल्कुल राइट हेडर। अब इसको गैप दे दिया मैंने 20 पिक्सल का, लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना जरूरी है, अब लग गया इनके बीच में स्पेस, आप इसको मेंटेन कर लो, कम कर लो, ज़्यादा कर लो, ठीक है, इस हिसाब से। और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन ठीक है, एक बार थोड़ा सा जैसे इसको 10 पिक्सल, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। अब इसमें मेन कंटेंट में आ जाओ, मेन कंटेंट में क्या करना है, अब मेरे हिसाब से ये फोटो आपके पास में आ गई वीडियो के अंदर, आप इसको पूरा बनाओगे, ठीक है, नहीं बनेगा वो बताऊंगा। अब नीचे वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, मैं बोलता हूँ इसके अंदर जो कंटेंट है वो देखो इतना इतना है, ये स्पेस दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे थ्रेडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर बोल देता हूँ यहाँ पर कि मेन कंटेंट जो है आपका उस पर थोड़ी सी पैडिंग लगी हुई है, मेन कंटेंट पे पैडिंग लगी हुई है 10 पिक्सल की, और 10 पिक्सल का पैडिंग लग गया इस पर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके, अब मैं बोलता हूँ ये सेक्शन बनाना है 2 वाला, ये चीज़ बनानी है, ठीक है, इतना इतना। तो कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे लिखना है देखो, एक तो ये और एक ये सेक्शन, सही है, और इसी सेक्शन को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक और बनाया गया है, एक और बनाया गया है, सही बात है, ठीक है, ऐसा ही तो सारे होंगे और भी होंगे। तो यहाँ पर ये इनपुट आपका टाइप टू सर्च करके, तो 4 तरह के आइटम इसके अंदर है, तो एक तो नॉर्मल टेक्स्ट है 2 करके लिखा हुआ है, एक ये वाली चीज़ें, ये कैसे बना सकते हैं यार, कि इसमें जैसे एक डिव आपको लेना है, एक इमेज उसके अंदर लेनी है, हाँ बिल्कुल, एक ये लेना है और एक क्लोज का बटन लेना है, बस सिंपल, ठीक है, बना लेंगे, है ना, ये चिप है जैसे। तो यहाँ पे जैसे इसको बना के देख लेते हैं कि मेन कंटेंट है उसके अंदर, एक तो ये लिखा हुआ है 2 div. मैं इसको बोल देता हूँ 2 सेक्शन और CC सेक्शन इस तरीके से, तो div.2 section, और 2 सेक्शन के अंदर जो है एक तो लिखा हुआ है 2 इस तरीके से, और फिर एक div है जिसको मैं बोल सकता हूँ, ये है जैसे सेंडर है, लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ये तो सारे आइटम को क्या ट्रीट करेगा, फ्लेक्स आइटम की तरह ट्रीट करेगा, जिसको भी आपने फ्लेक्स बोल दिया उसके अंदर के सारे आइटम, चाहे वो टेक्स्ट हो गया, चाहे डिव हो गया, चाहे एंकर टैग हो गया, सारे क्या है, फ्लेक्स आइटम है, और जो फ्लेक्स आइटम पे लगता है वो सारा प्रॉपर्टी उन पर भी लगेगा। आप देखो आगे आगे आप क्या कर रहे हो, डिव्स जो है जितने भी उनको कम करने की कोशिश कर रहे हो, अपन करने के लिए तो डिव के अंदर डिव 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 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब आगे आगे जब आप जाओगे ना तो डिव कम से कम लेंगे, और लेआउट आपका अच्छा बनना चाहिए, वो वाला चीज़ है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है, मैं और इससे छोटा करूँगा कोड को आगे, ठीक है, बस वो धीरे धीरे आपको समझना है कि अच्छा ये ऐसा भी कर सकते हैं, वो वाला चीज़, ठीक है। तो ये बना लेते हैं एक बार, जैसे रिसीवर जो है ना, रिसीवर, तो रिसीवर जो है उसमें एक तो
इमेज आएगी रिसीवर की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इमेज ले लेते हैं, कोई भी यूजर का फोटो उठा लेते हैं यहाँ से, बाकी यूजर प्रोफाइल पिक, चलो ये ले लेते हैं, जैसे ये प्रोफाइल पिक है, ठीक है। राइट क्लिक किया, कॉपी में कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया मैंने, और यहाँ पर आता हूँ मैं, बोलता हूँ ये है आपका इमेज, रिसीवर का इमेज है, इसके अंदर आ गया, ठीक है। और रिसीवर का नाम होगा कोई, आई जो भी करके, है ना। तो एक काम करता हूँ, पहले ही इसको रिसीवर को एक बार थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ रिसीवर जो होगा, हाँ इसको बॉर्डर दे देता हूँ, एक तो 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ इसको, और इसके अंदर जो इमेज होगी, ठीक उसकी विड्थ 16 पिक्सल कर दूंगा, सही है, ठीक है। तो ये है अपना रिसीवर, इतना इतना। और रिसीवर के साथ में जैसे ये क्या चीज है, टू सेक्शन है, इसको भी एक बॉर्डर दे देता हूँ, टू सेक्शन बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ये ठीक है, ये आपका रिसीवर सेक्शन है। इसके अंदर एक चीप ये है, अब नाम आप इसमें लिख दो, यहाँ पर रिसीवर का ईमेल एड्रेस है, हाई एट द रेट जो भी है, तो मैं बोल देता हूँ विष्णु एट द रेट cslab.in। हाँ, फ्लेक्स भी कर देंगे अभी, है ना। ये मैंने cslab.in कर दिया, और एक क्लोज का बटन और बनाना है, ठीक है। तो ये बना देते हैं, मैं इसमें div डॉट क्लोज, या फिर मैं एक बटन ही बना दूँ सीधा, बटन एक्स, ठीक है। और ये इसमें ये बटन आ गया, सही है ना। चलो अब देख, मैं बोल देता हूँ जो रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर का ये बॉर्डर हटा दूँ, अब आपको पता तो लग ही गया है ये रिसीवर है। तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड आरजीबीए में हल्का सा जैसे ग्रे कलर का मैं देना चाह रहा हूँ, तो मैं बोल दूंगा 200 200 200 0.2, ठीक है। और मैं ये वाला कलर येलो वाला हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा सही दिखे, मेन कंटेंट ये बैकग्राउंड हटा, ठीक है। ये आपको ग्रे कलर दिख रहा है हल्का सा, थोड़ा सा पेडिंग दे सकता हूँ इसको, पेडिंग 3 पिक्सल का मैंने पेडिंग दे दिया, जैसे ये 3 पिक्सल का पेडिंग लग गया, ठीक है। अब मैं जैसे बोल देता हूँ इसके अंदर एक इमेज है, वो ये है, ठीक है। इसके अंदर एक ये है और एक ये है, ठीक है। इस बटन को भी स्टाइल किया जा सकता है बाद में, मैं पहले तो बोलूँगा इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सही तरीके से आ जाए, ठीक है। तो रिसीवर जो है इसका विड्थ मैं बोल देता हूँ, विड्थ जैसे मैंने बोल दिया 200 पिक्सल है इसका, 200 ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी करते 200 की जगह पे 180 करूँगा, 170 कर लेते, ठीक है। अब इसको बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है क्या, बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस, और मैंने बोल दिया 30 पिक्सल बोल दिया, पिक्सल है ना, परसेंटेज नहीं, पिक्सल, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा कम कर रखा है, 10 पिक्सल बोल देता हूँ इसको, 10 पिक्सल, ठीक है। 5 पिक्सल बोला जा सकता है। अब इन तीनों तीनों चीजों को आपको एक लाइन में करना है, क्या करें, 5 पिक्सल कर रहा हूँ इसको, डिस्प्ले
फ्लेक्स बोल दिया पहले तो इसको, है ना, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, ठीक है, पूरा स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इमेज है, ये पिचक भी है, इसको सही करना है, तो इसके विड्थ और हाइट जो है वो 16 पिक्सल होनी चाहिए, सही है, ठीक है। अब आप इसको सेंटर में करना चाह रहे हो वर्टिकली, तो अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो इस तरीके से, और ये जो बटन है इसको आपको स्टाइल करना है, तो आप बोल दो इसके अंदर एक बटन है, ठीक है, तो रिसीवर के अंदर जो भी बटन है उसको स्टाइल कर लेते हैं यहाँ। उसका बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, ठीक है, बॉर्डर भी हटा लेते हैं। जैसे मैंने देखो इसको बैकग्राउंड दिया ना, बैकग्राउंड तो चेंज हो गया इसका, लेकिन इस पे बॉर्डर जो है वो आ गया है, पहले बॉर्डर नहीं था। ये बोल रहा है कि अगर आप कर रहे हो ना इसको स्टाइल, पहले तो इसने खुद का स्टाइल किया हुआ था, फिर जैसे मैंने इस पे स्टाइल करना शुरू किया, अब आप कर रहे हो ना आप ही कर लो फिर, ठीक है, वो वाला चीज़। तो अब आप यहाँ पे जैसे इसको बॉर्डर को हटा दो, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डार्क करना चाहो तो यहाँ पे डार्क कर सकते हो, 4 मैंने बोल दिया, इसे थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये चीज बन गया, बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल का बोल दिया मैंने, और जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये ब्लैक हो जाए, तो ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए और कलर जो है ये वाइट हो जाए, क्या बोलते हो? अभी देखो मैं जब भी इसके ऊपर होवर करूंगा ऐसा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और रिसीवर जो है उसके अंदर फॉन्ट फैमिली मैं चेंज कर ही सकता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल, सही है, ठीक है। बस ये आपका एक चिप बन गया, इस चिप को भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं रिसीवर को जब भी होवर करूँ, तो अभी इसका ओपेसिटी कितना है, 0.2 है कलर का, आप 0.2 थोड़ा गहरा कर दो, 0.4 कर दिया ऐसा, ठीक है। और या फिर बॉर्डर भी दिया जा सकता है, इसको बॉर्डर देता हूँ, चलो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पे भी बॉर्डर देना पड़ेगा, लेकिन इसका कलर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अब जैसे मैं होवर करूंगा तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये इफेक्ट थोड़ा सा स्मूथ हो इसके लिए ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ट्रांजिशन ओवर 0.3 सेकेंड। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जैसे एक चिप बनाया है, वैसे मैं दूसरा भी बना सकता हूँ, तो एक और रिसीवर है यहाँ पे, ये रिसीवर एक और कॉपी किया मैंने, और इसको दोबारा से टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर फोटो चेंज करी जा सकती है रिसीवर का, ये 2 आ गए आपके पास में, है ना। ये देखो अब ये जो रेड है आपका 2 सेक्शन, इसके अंदर 3 आइटम है, एक तो 2 है, एक ये है और एक ये है। इनको अगर मैं बोल दूँ 2 सेक्शन वाले को, नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये 2 सेक्शन है, इसको बोल दूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, जो ऑलरेडी बॉर्डर जिसका रेड है अब वो फ्लैक्स भी बन गया है, एक लाइन में आ गए, गैप मेंटेन किया जा सकता है। मैं उसको बोल सकता हूँ एक तो गैप 10 पिक्सल, हर एक आइटम के बीच में 10 पिक्सल का गैप हो, फिर अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर में आ जाए, ताकि अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। बस अब इसका बॉर्डर भी हटा दो, बॉर्डर हटा दिया, अब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बॉर्डर लगाना चाहो तो बॉर्डर हटा ही दें क्या, हटा दिया, नहीं बॉर्डर है, बॉर्डर कौन सा था, ये बॉर्डर,
कौन सा था भाई? रिसीवर, ये रहा बॉर्डर, इसका हटाई देता हूँ, बैकग्राउंड लगा देता हूँ, बैकग्राउंड जीरो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसके अंदर एक इनपुट और छोड़ दें आपको कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जो ये, इसको मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ, रिसीवर इनपुट, ठीक है, ये सेक्शन है, इसके अंदर आप रिसीवर एक इनपुट फील्ड दे दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, टाइप टू सर्च, एक प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर टाइप टू सर्च, सही है, ठीक है। इसको मैं स्टाइल कर सकता हूँ, जैसे इसमें तो केवल ऐसा ही दिया हुआ है, आप ये बोल दो कि ये जो आपका रिसीवर इनपुट है, रिसीवर इनपुट है, इसके अंदर एक इनपुट है, ठीक है, उसका बॉर्डर जो है वो मैंने नन कर दिया। अगर मैं बॉर्डर हटा देता हूँ इसका, तो बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है, और अगर मैं लगाना चाहूँ तो बॉर्डर लेफ्ट जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लगा सकता हूँ, ठीक है, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता, ये लग गया यहाँ पे, ठीक है, 2 पिक्सल हो सकता है यहाँ पे। और मैं इसको बोल देता हूँ थोड़ा सा पैडिंग दे दो इसमें, पैडिंग 5 पिक्सल का, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 3 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे एक आउटलाइन आ जाता है, तो इसको आउटलाइन को भी हटा दो, आउटलाइन नन, ठीक है, और अब आउटलाइन भी आपका नन हो गया, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे सीधा टाइप कर सकता, ठीक है, इस तरीके से तो किया जा सकता है ये वाला चीज़, है ना। तो एक बार इस पूरी चीज़ों को एक बार आप देखो, ये भी बन जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं है इसमें, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी आपको एक फ्लेक्स जो है उस तरीके से करना है। और ये जो है जैसे बॉर्डर इस पे लगा रखा है ना, ये है ना, तो बॉर्डर का जो स्टाइल है, जैसे अभी अभी कौन सा है इसका बॉर्डर लगा देते हैं, 2 पिक्सल का पूरे पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, इसका स्टाइल कैसा है, सॉलिड। अगर मैं इसको बोल दूंगा डॉटेड, तो ये डॉट 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 करके आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं बोल दूंगा डैश, ये डैश होके आ जाएगा, ये डैश है, ठीक है, तो ये सॉलिड है आपका, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, ये बना सकते हैं, कलर वगैरह तो आप चेंज कर ही दोगे, तो ये से सारी चीज़ आपको बनानी, ये एक साइड में आ जाएगा, और दोनों एक डिव के अंदर आके ये इधर आ जाएंगे, एक डिव इधर है, एक डिव इधर है, और इन दोनों का पेरेंट डिव ये रहा, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको पूरा बनाने की कोशिश करना।